हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे आवेश के प्रकारों के बारे में। इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, आवेश क्या होता है, किस प्रकार से आवेश की परिभाषा दी गई है, वो सब कुछ जाना है इससे पहले वाले भाग में। तो आज का भाग अगर आप बिल्कुल क्लियर ढंग से कंप्लीट करना चाहते हो तो इससे पहले वाला भाग आपको अवश्य देखना है। आवेश से रिलेटेड बेसिक जानकारी बिल्कुल जीरो लेवल से दी गई है इससे पहले वाले भाग में, क्योंकि हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो आवेश का ही आगे का भाग है। तो इसके लिए आवेश क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है, इसलिए आप इससे पहले वाला भाग अवश्य देखिए। पीछे वाले भाग का थोड़ा रिपीट हम कर लेते हैं कि आवेश होता क्या है। बिल्कुल बेसिक जानकारी तो आपको इससे पहले वाले भाग में ही मिलेगी। हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि आवेश होता क्या है। तो आवेश के बारे में हम यहाँ पर समझें तो आवेश किसी वस्तु या पदार्थ या किसी पिंड का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके कारण वह वस्तु सामान्य से कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। जैसे हमने मार्कर को बालों से रगड़कर मिट्टी के कणों के पास लेकर गए, वहां पर मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये मार्कर अलग प्रकार का व्यवहार करने लग गया था, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में मिट्टी के कण इसके नहीं चिपकते हैं, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया के बाद में चिपकने लग जाते हैं। ये जो गुण उस वस्तु ने प्राप्त किया है वो गुण ही कहलाता है आवेश। या इसी की परिभाषा में हमने ये भी समझा था कि आवेश उसका एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा गुण जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। तो हम इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले वाले भाग में। जो गुण वस्तु के द्वारा प्राप्त किया जाएगा जिसको कि हम आवेश कहते हैं, वो आवेश कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा उनका नामकरण किया गया, किस तर्क के ऊपर उनके नाम रखे गए, किस कारण से नाम रखे गए, ये सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। तो यहां पर हमारे पास कुछ प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला गया था और उसके आधार पर ही बताया गया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो हम भी उन्हीं में से कुछ प्रयोगों को समझते हैं और उन प्रयोगों के निष्कर्ष से ही हम समझेंगे कि आवेश रियल में होता कितने प्रकार का है। तो समझते हैं आज के प्रयोग को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज। यहाँ पर हमारे पास जिन प्रयोगों की हम बात करते हैं उनमें से कुछ वस्तुओं के यहाँ पर जोड़े काम में लिए गए हैं, जिनमें से हम यहाँ पर दो वस्तुओं के युग्म यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें से फर्स्ट हमारे पास में है कांच की छड़ तथा इसके साथ हमने ले लिया है रेशम का कपड़ा। ये एक जोड़ा हमने काम में लिया है क्योंकि घर्षण की प्रक्रिया हमें करनी होगी, क्योंकि आवेश आपके पास तभी आएगा जब उन वस्तुओं को रगड़ा जाता है। सेकंड हम यहां पर ले लेते हैं प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ भी ले सकते हैं, और यहां पर इसके साथ में हमने लिया है बिल्ली की समूर या हम यहां पर ऊनी वस्त्र भी काम में ले सकते हैं। अब हमारे पास जो प्रयोग किए गए थे उनमें से फर्स्ट की अगर हम बात करें कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, दो वस्तुएं हुई हमारे पास, एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा। अब यदि कांच की छड़ को किसी धागे की सहायता से यहां पर लटकाया जाता है किसी आधार से, ये हमारे पास में है कांच की छड़। एक ऐसी ही कांच की छड़ और यहां पर ली गई है जिसे हम यहां पर लटका देते हैं। लटकाने के बाद यहां पर यह देखा गया कि इन दोनों छड़ों के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, यहां पर इन छड़ों के मध्य कोई हलचल स्वतः ही नहीं होती है, ये देखा गया प्रारंभ में। ऐसे ही दो रेशम के कपड़ों को अगर हम यहां पर लटका देते हैं तो उनके मध्य भी कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर फिर लटकाया जाता है, इसी प्रकार से इस दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर यहां पर लटकाया जाता है, तो अब हमारे पास प्रोसेस ये हो गया कि ये दोनों छड़ जो हैं वो घर्षण की हुई हैं और फिर जब इनको यहां पर लटकाया जाता है तो
तो फिर यहाँ पर इनके मध्य कुछ क्रिया होती है और क्रिया ये होती है कि ये दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से दूर हटती हैं, यानी इन दोनों कांच की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है या इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। ये हो गई हमारे पास कांच की छड़, ये हमारे पास में है कांच की छड़। इनको रगड़ने के पश्चात जब हम यहां पर लटकाते हैं तो ये देखा गया कि इन दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी छड़ जो है वो दूर हटती है। एक गुण यहां पर प्राप्त किया इस कांच की छड़ ने। सेकंड, हम यहां पर बात करते हैं कि अब यदि प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की समूर से रगड़ कर फिर यहां पर लटकाया जाता है, ऐसी ही कोई दूसरी प्लास्टिक की छड़ हमने यहां पर ली है और अब यदि प्लास्टिक की छड़ों को यहां पर लटकाया जाता है, ये मान लीजिए हमारे पास प्लास्टिक की छड़े हैं और जब इन प्लास्टिक की छड़ों को यहां पर लटकाया गया जबकि ये दोनों रगड़ी हुई हैं, तो यहां पर ये देखा गया कि ये दोनों छड़ भी एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो यहां पर भी ये देखा गया कि इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रोसेस में आप ये भी कर सकते हैं कि अब यदि ये रगड़े हुए दोनों रेशम के कपड़ों को आप यहां पर लटकाते हैं तो इनके मध्य भी प्रतिकर्षण बल लगता है। यहां पर बिल्ली की खाल या समूर को भी आप यहां लटकाते हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अब थर्ड, इसके लिए ये प्रयोग किया गया कि एक साइड में कांच की छड़ को तथा एक साइड में प्लास्टिक की छड़ को लटकाया जाता है। दोनों कांच की छड़, दोनों प्लास्टिक की छड़। अब एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़ को जब यहां पर लिया गया तो यहां पर कुछ और ही घटना घटित हुई। यहां पर एक साइड में कांच की छड़ है और एक साइड में हमारे पास में प्लास्टिक की छड़ है। ये हमारे पास कांच की छड़ और ये है हमारे पास प्लास्टिक की छड़, ये कांच की छड़। तो जब यहां पर रगड़ी हुई कांच की छड़ और रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ को रखा जाता है तब उन दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण नहीं हुआ, यानी वो दूर नहीं हटी बल्कि एक दूसरे के नजदीक आती हैं। यानी दोनों छड़ों के मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। सेम छड़ों को लेते हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है, अलग अलग छड़ों को जब यहां पर लिया गया तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। सेम रेशम के दोनों कपड़े लेते हैं, प्रतिकर्षण बल। बिल्ली की समूर लेते हैं दोनों, प्रतिकर्षण बल। एक साइड में रेशम का कपड़ा, एक साइड में समूर को लटकाते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यहां पर ये जो प्रयोग हुआ है इसमें कितने प्रकार की क्रिया हो रही है? दो प्रकार की, या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण। यानी वस्तु ने जो गुण प्राप्त किया है वो दो प्रकार का गुण प्राप्त किया है। एक गुण की वजह से तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं और एक गुण की वजह से उनके मध्य आकर्षण बल लग रहे हैं। तो जो गुण प्राप्त करता है उसी को ही तो क्या बोला जाता है? आवेश बोला जाता है। तो यहां पर कितने प्रकार के गुण प्राप्त हुए? दो प्रकार के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल और दूसरे आवेश के कारण आकर्षण बल लगता है और ये आवेश दो प्रकार का होता है, ये बताया वैज्ञानिक डूफे ने। तो यहां तक अब आपके समझ में आ चुका होगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसके कारण प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल लगता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि आवेश के कारण छोटे छोटे कागज के टुकड़े वो आकर्षित ही नहीं होते हैं बल्कि घर्षण की प्रक्रिया होने के बाद आवेशित वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है और आकर्षण बल भी हो सकता है। आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब वस्तु पर आवेश होगा तब ही उनके मध्य प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होगा, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। तो क्या अब आपके ये प्रश्न माइंड में नहीं आ रहा कि जब हम पेन को
बालों से रगड़ते हैं तो पैन पर तो आवेश आ जाता है, यानी पैन वो गुण प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो मिट्टी के छोटे छोटे कण या जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनको तो हमने नहीं रगड़ा था, तो फिर वो कैसे आकर्षित होते हैं? जबकि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल सिर्फ किसकी वजह से लगेगा? आवेश की वजह से। और आवेश वाला गुण किसके कारण प्राप्त हो रहा है? घर्षण की वजह से। तो हमने तो पैन को रगड़ा था, यहां मिट्टी के कण कागज के छोटे छोटे टुकड़े तिनकों को तो हमने नहीं रगड़ा, उसके बावजूद जब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं, इस पे आवेश है, तो एक आवेशित वस्तु है एक अनावेशित वस्तु है, तो उनके मध्य आकर्षण बल किस प्रकार से लगा? जबकि यहां पर इसके ऊपर भी आवेश है, इसके ऊपर भी आवेश है, क्योंकि कांच को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा है, प्लास्टिक को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा है, तो यहां पर तो दोनों पर आवेश है आकर्षण बल, दोनों पर आवेश है प्रतिकर्षण बल, दोनों पर आवेश है प्रतिकर्षण बल, लेकिन इसमें एक पर आवेश है एक पर आवेश नहीं, फिर इनके मध्य आकर्षण बल क्यों लगता है? ये हमारे पास एक प्रश्न पुटअप हो जाता है, तो इसका क्या कारण रहा आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अन्यथा फिर हम इससे आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें क्लियर करेंगे कि यहां पर एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु के मध्य आकर्षण बल किस प्रकार से काम करता है, ये हम देखेंगे इससे आगे आने वाले भागों में, आगे आने वाले वीडियो में। तो वो वीडियो आप लगातार देखते रहिए कि कौन से वीडियो में हम इनका आंसर प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं इससे आगे, यहां जो प्रयोग हुआ उस प्रयोग से तो हमें ये पता चल गया कि आवेश दो प्रकार का होता है। अब बढ़ते हैं इससे आगे, नेक्स्ट अब हम यहां पर आवेश के प्रकारों की जांच करने के लिए ही एक प्रयोग और समझते हैं, और उससे भी हम ये जानेंगे कि आवेश क्या रियल में दो ही प्रकार का होता है। तो इसके लिए हमारे पास यहां पर एक स्टैंड लिया और यहां पर धागे की सहायता से दो सरकंडे की गोलियों को लटकाया गया है, ये है सरकंडे की गोलियां, सरकंडे की गोलियां, यहां पर सरकंडे की गोलियों का मतलब ये होता है कि कुछ प्रकार की लकड़ियां होती हैं जिनके अंदर, जैसे ये लकड़ी है तो इनके अंदर छोटी छोटी लकड़ी की ही बिल्कुल हल्की फुल्की बॉल अंदर पैक रहती है, उसी प्रकार से जैसे थर्मोकोल के अंदर छोटी छोटी बॉल रहती है, तो आप चाहें तो यहां पर थर्मोकोल की बॉल भी काम में ले सकते हैं, वो होती है लकड़ियों के अंदर छोटी छोटी बॉल जो होती है वो वाली बात यहां पर है, आप यहां थर्मोकोल की गोलियों को भी काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार का एक सिस्टम यहां पर भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, यहां पर एक हमारे पास यहां पर सिस्टम बन जाता है और एक प्रक्रिया और यहां पर कंप्लीट करेंगे, तो हम यहां पर तीनों एक बार में ही नोट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहां पर किसी आधार से दो सरकंडे की गोलियां, दो सरकंडे की गोलियों को लटकाया गया, अब यहां पर जब इनको लटकाया गया तो इनके मध्य किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, इनके मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, ये अब आप समझ लिए। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हमारे पास ये करते हैं कि अब यदि किसी आवेशित कांच की छड़ को जो कि घर्षण की हुई है, उस छड़ को अब यदि इस सरकंडे की गोली के स्पर्श कराते हैं, यानी उस कांच की छड़ को जब इसके स्पर्श कराते हैं और स्पर्श करा के फिर हटा लेते हैं, इसी प्रकार से इस सरकंडे की गोली के भी स्पर्श करा के हटा देते हैं, तब यहां पर ये देखा गया कि ये दोनों सरकंडे की जो गोलियां थी अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूर हट जाती हैं, यानी ये वाली इधर की ओर खिसकती है, ये वाली इधर की ओर खिसक जाती है। तो यहां पर एक प्रयोग ये किया गया। सेकंड, इस प्रोसेस में हमारे पास यदि इस सरकंडे की गोली से और इस सरकंडे की गोली से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराते हैं, यानी इसके प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराया और हटा दिया और इसके भी प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराया और हटा दिया, तब इस प्रयोग में भी ये देखा गया कि ये सरकंडे की गोलियां दोनों एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, यानी दोनों की दोनों गोलियां जो हैं वो दूर हटती हैं,
यहां पर जब ये दूर हटती है तो आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, इन दोनों के मध्य किस प्रकार का बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इन दोनों के मध्य में किस प्रकार का बल है, प्रतिकर्षण बल लगता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में रगड़ी हुई कांच की छड़ को इसके स्पर्श कराते हैं तथा इस सरकंडे की गोली से प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराते हैं। तो यहां पर फिर जो प्रक्रिया हुई उसमें ये हुआ कि ये सरकंडे की गोली इधर की सकती है, ये वाली इधर की सकती है, यानी एक दूसरे के नजदीक आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सरकंडे की गोलियों के मध्य कौन सा बल लगने लग गया, आकर्षण बल लगने लग जाता है। तो अब हमारे पास पॉइंट ये है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो तब लगता है जब वस्तुओं पर आवेश होता है। तो यहां पर तो सरकंडे की गोलियों के मध्य कोई आवेश ही नहीं था। आवेश फिलहाल हमारे को प्राप्त हो रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा, घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा। और ये गोलियां जब एक दूसरे को दूर भेज रही हैं तो हमने तो सरकंडे की गोलियों को कोई घर्षण ही नहीं करवाया, किसी भी प्रक्रिया में किसी भी सरकंडे की गोली को घर्षण नहीं करवाया। और घर्षण जब करवाया ही नहीं तो फिर ये अलग प्रकार का गुण वहां पर आया कैसे। यहां पर हम समझते हैं कि जब इसको आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में लाए थे यानी स्पर्श करवाया था, तो स्पर्श कराने की वजह से आवेश जो था वो कांच की छड़ से इन गोलियों में पहुंच जाता है और उसी जगह पर होता है जिस जगह पर स्पर्श कराया जाता है। यानी अगर इस पॉइंट पर कांच की छड़ को स्पर्श कराएंगे तो वह आवेश उसी भाग पर बना रहता है, संपूर्ण में नहीं फैलता है, क्योंकि ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थ की परिभाषा हम जानते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ वो होते हैं जिनमें आवेश जिस जगह पर दिया जाता है आवेश वहीं होता है। आपने देखा होगा कि मार्कर को जब हम रगड़ेंगे तो उतने ही भाग पर मिट्टी के कण चिपकते हैं जितने भाग को रगड़ा जाता है, संपूर्ण मार्कर पर नहीं चिपकते हैं। अगर ये चांदी का मार्कर होता और फिर हम इसको रगड़ते तो इसके मिट्टी के कण नहीं चिपकते, क्योंकि वहां पर चांदी जो है वो विद्युत का चालक होती है और चालक वस्तुओं में आवेश का प्रवाह होता है। अगर यहां पर आवेश मिलेगा तो वो आवेश इससे होता हुआ हमारे बॉडी में चला जाएगा, बॉडी खुद भी चालक है और वो आवेश पृथ्वी में पहुंच जाता है। तो इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं बचेगा तो वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। फिलहाल हमारे पास जब कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ों को इनको स्पर्श कराते हैं तो इनसे आवेश यहां पर पहुंच जाता है और ये सरकंडे की जो गोलियां थी वो भी आवेश प्राप्त कर लेती हैं, यानी वो भी आवेशित हो जाती हैं। सरकंडे की गोली के ऊपर कांच वाला आवेश आ गया, उनके ऊपर प्लास्टिक की छड़ वाला आवेश आ गया। यहां पर कांच की छड़ का आवेश था और यहां पर प्लास्टिक की छड़ का आवेश था। इसका मतलब इन दोनों पर सेम प्रकृति का आवेश था, इन दोनों पर सेम प्रकृति का आवेश था, लेकिन इन दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकृति का आवेश था। क्योंकि अलग अलग प्रकृति का जो आवेश आ रहा है उसकी वजह से आकर्षण बल लगता है और एक जैसा जब आवेश दोनों पर आएगा तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहां से ये स्पष्ट हुआ कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो गुण है वो आया स्पर्श कराने से। इसका मतलब ये वस्तुओं पर आवेश था, इनके मध्य लगा प्रतिकर्षण बल क्योंकि इनके मध्य भी आवेश था, यहां लगा आकर्षण बल, इन गोलियों के ऊपर भी आवेश था। तो वापस हमें एक सारांश ये मिला कि या तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है या आकर्षण बल। तो सारांश ये हुआ कि ये जो गुणधर्म उसने प्राप्त किया है जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। तो सारांश ये हुआ कि आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ चुका होगा इन प्रयोगों के द्वारा कि आवेश कितने प्रकार का होता है। सेकंड निष्कर्ष हम ये भी निकाल सकते हैं यहां पर कि इन दोनों गोलियों के ऊपर वही चार्ज है जो कांच की छड़ों पर था। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर सेम प्रकृति का गुणधर्म है या सेम प्रकृति का आवेश है। इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों के ऊपर सेम आवेश था और एक जैसा गुण था, इस वजह से एक जैसा आवेश बोल सकते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
तो इन दोनों गोलियों के ऊपर भी एक जैसा गुण था, लेकिन दोनों गोलियों के ऊपर एक जैसा आवेश, इन दोनों गोलियों के ऊपर एक जैसा आवेश, लेकिन इस गोली और इस गोली के मध्य अलग अलग आवेश है, इस कारण से वहां पर कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। तो सारांश ये हुआ कि एक जैसे आवेश अगर मौजूद होंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, और एक जैसे आवेशों को बोला जाएगा सजातीय प्रकृति के आवेश। तो सजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है। इस पर अलग आवेश है, इस पर अलग आवेश है, इस पर अलग गुणधर्म है, इस पर अलग गुणधर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आकर्षण बल जब लगेगा तो आवेशों की जो प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी, और उनको बोला जाता है विजातीय आवेश, यानी दोनों अलग अलग जाति के आवेश हैं। तो एक सारांश तो मिल गया कि आवेश दो प्रकार का होता है। दूसरा सारांश इन प्रयोगों से ये समझ में आया कि सजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वो दोनों आवेश एक ही प्रकार के होंगे। जब उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों अलग अलग प्रकृति के आवेश होंगे। इन्हीं प्रयोगों में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिजल्ट निकालेंगे, कुछ और प्रयोगों को समझते हैं। बहुत कुछ मिलेगा आज की क्लास में, लेकिन कंप्लीट आपको देखना होगा क्योंकि एक एक प्रयोग के द्वारा अलग अलग निष्कर्ष यहां पर मिलते जा रहे हैं। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि एक साइड में हमारे पास में है कांच की छड़, एक हमारे पास में है रेशम का कपड़ा, यहां पर सेकंड हमारे पास जो जोड़ा है उसमें हमारे पास में ले रखा है प्लास्टिक की छड़, और एक हमने ले रखा है समूर। अब हम यहां पर आगे बढ़ें और ये समझें कि ये जो गुणधर्म हमारे पास प्राप्त हुए हैं दो प्रकार के, तो उनके नाम क्या हैं? तो इन आवेशों का जो नामकरण किया गया था वो किया गया था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन आवेशों का नामकरण किया था और उन्होंने बताया था कि आवेश जो दो प्रकार के होते हैं उनमें से एक आवेश का नाम है धनात्मक आवेश और दूसरे आवेश का जो नाम है वो है ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये आवेशों के प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पर समझ में ये नहीं आता कि उनका नाम धनात्मक और ऋणात्मक ही क्यों रखा गया, क्या ऐसा तर्क था, क्या लॉजिक उन्होंने काम में लिया कि एक का नाम पॉजिटिव रखा एक का नाम नेगेटिव, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, किस आधार पर या कौन सी कंडीशन ऐसी बनी जिनके आधार पर उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की प्रक्रिया प्लस में हो रही है, इस प्रकार की प्रक्रिया माइनस में हो रही है, इस कारण से इनका नाम ऐसा रख दें, ये देखेंगे आज की क्लास में। बिल्कुल बने रहिए। यहां पर जब इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा था तो अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिनके ऊपर किसी पर धनात्मक आवेश है किसी पर ऋणात्मक आवेश है, उन्हीं वस्तुओं में अगर हम उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी दो वस्तुएं जब हमने ली जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा है, सपोज किया कि रेशम के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ जब रगड़ा जाता है तब उस समय ये नेगेटिव का काम कर रहा है, तो रेशम का कपड़ा जब किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाएगा तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये माइनस का ही काम करेगा, हो सकता है वो पॉजिटिव का काम करने लग जाए। तो इस प्रकार से कुछ पदार्थों की एक श्रृंखला बनाई गई है, एक सीरीज बनाई गई है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु के साथ जब रगड़ी जाएगी तो कब वो प्लस की होगी और कब वो माइनस की होगी, ये सीरीज जो है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, और उस सीरीज के लिए हम एक वीडियो बिल्कुल कंप्लीट बनाएंगे घर्षण की प्रक्रिया के वीडियो में कि कौन कौन से पदार्थ यहां पर हम काम में लेंगे अधिकतर और उनकी सीरीज को कैसे समझेंगे वो जानेंगे उस क्लास में। यहां पर फिलहाल हमारे पास ये क्लियर हो गया कि एक का नाम धनात्मक है एक का नाम ऋणात्मक है, तो कौन सी वस्तु पर धनात्मक है कौन सी वस्तु पर ऋणात्मक है
इसका निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम किसी एक वस्तु के ऊपर उन्होंने चार्ज फिक्स कर दिया कि इस वस्तु के ऊपर ये वाली वैल्यू होगी, यानी किसी एक का मान फिक्स कर दिया और उसके आधार पर फिर दूसरे की कैलकुलेशन की गई। तो यहां पर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश को फिक्स किया गया, यानी ये क्लियर हो गया कि कांच की छड़ पर जो आवेश प्राप्त हुआ है वो कौन सी प्रकृति का होगा, धनात्मक प्रकृति का। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले हमने एक सारांश निकाला था कि एक जैसे आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और अलग अलग आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। ये अभी हमने सारांश में देखा भी था, प्रयोग के द्वारा समझा भी है। तो आप ये बताइए कि अगर एक छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश है और दूसरी छड़ जो है वो उसे प्रतिकर्षित हो रही है, सपोज कीजिए हम यहीं पर लेते हैं, पहले प्रयोग में हमने लिया था कांच की छड़, यहां पर ली थी हमने दूसरी कांच की छड़, ये दोनों छड़ एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही थी, ये अभी हमने प्रयोग में समझा था। तो कांच की छड़ पर कैसा चार्ज रखा गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर जो छड़ हमने लटकाई है, अगर इस छड़ से वो दूर जा रही है तो दूर वो जा रही है इसका मतलब कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों के ऊपर सेम प्रकृति का चार्ज होगा। तो इस छड़ के ऊपर भी कैसा चार्ज होगा प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो प्रतिकर्षण बल है, समान आवेश होने चाहिए, एक पर प्लस है, तो इस पर भी कैसा चार्ज होगा, प्लस का ही चार्ज होगा, तभी तो प्रतिकर्षित होंगे। सेकंड, यहां पर लिया था हमने प्लास्टिक की छड़ को, ये प्लास्टिक की छड़ हमने ली थी, यहां पर लिया हमने एक कांच की छड़ को, इसको समझिए आप एक बार, यहां पर लिया हमने कांच की छड़ को, ये हमारे पास में है कांच की छड़, ये हमारे पास में है प्लास्टिक की छड़। तो पीछे वाले प्रयोग में अब आप ये बताइए कि इनके मध्य कौन सा बल लगा था। तो हमने यहां पर ये देखा था, ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो रही थी और कांच की छड़ के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि फिक्स किया गया था। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी वस्तु उसकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आकर्षित कब होगी, जब दूसरी छड़ पर उसके विपरीत चार्ज होगा। इसका जैसा तो चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि सेम चार्ज होंगे तो वस्तु दूर जाएंगी, विपरीत होगा तभी वो आकर्षित होंगी। विपरीत का मतलब चार्ज है ही दो प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब दूर जाएगा, नेगेटिव कब होगा, जब आकर्षित होगा। यहां पर चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब इसी प्रयोग को अगर हम ये समझें कि हमने एक प्रयोग में लिया था दोनों प्लास्टिक की छड़े, यहां पर लिए थे हमने दूसरी प्लास्टिक की छड़, तो यहां पर प्लास्टिक की छड़ के ऊपर माइनस चार्ज है, दोनों प्लास्टिक की छड़ है तो हमने देखा था दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो बताइए उस वाली छड़ के ऊपर कैसा चार्ज आएगा जबकि वो दूर जा रही है। तो दूर जाने वाले के लिए क्लियर है, एक जैसे ही आवेश होनी चाहिए, ये माइनस की है तो ये भी किसकी होगी, माइनस की होगी। तो यहां से ये क्लियर हो चुका है कि कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आवेश यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। इन प्रयोगों से हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। अभी आपके पास समय है इसलिए पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट समझिए, फिर उसके बाद आगे दोबारा से जब रिपीट करोगे तो इतना फुल वॉच करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहे हैं इसलिए वीडियो आपका लंबा जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा इसकी गारंटी है। और यदि समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, तो आप अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप अनलाइक कर सकते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइबर भी कर सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्लियर 100% होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रयोगों को समझने के पश्चात कि इनमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो इस प्रयोग से क्या स्पष्ट हुआ, कांच की छड़ों पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज।
तो फिर हमें यह समझना है कि इनके ऊपर आवेश का निर्धारण हो चुका है तो फिर रेशम के कपड़े पर कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि रगड़ा तो उसको भी गया है, आवेश तो उस पर भी आया, उस पर चार्ज कैसा होगा। यहां पर दो जोड़े हमने काम में लिए थे, छड़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, ये दोनों कांच की छड़ थी। अब इनके जो साथ में जो वस्तु ली गई थी उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास प्लास्टिक की छड़ थी, यहां से क्लियर हो गया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यदि कांच की छड़ से रगड़े हुए रेशम के टुकड़े को यहां पर लटका दिया जाता है तो फिर यहां पर अगर ये रेशम का कपड़ा इसके नजदीक आ रहा है तो इनके मध्य आकर्षण बल है, अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं। यहां पर जब इस रेशम के कपड़े को इस प्लास्टिक की छड़ के नजदीक लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, ये है अपने पास रेशम का कपड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों दूर हट रहे हैं तो इसके ऊपर माइनस है, ये तो क्लियर हो ही चुका है। तो दूर हटने के लिए सैम प्रकृति का आवेश, इसका मतलब रेशम के कपड़े के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट यदि हम यहां पर कांच की छड़ लेते हैं, यहां पर बिल्ली की समूर लेते हैं, तो कांच की छड़ के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये जो वस्तुएं थी वो भी एक दूसरे से दूर हटती हैं और दूर हट रही हैं, तो ये भी क्लियर है कि इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर चारों वस्तुओं के ऊपर आवेश क्लियर हो चुका, कांच की छड़ के ऊपर प्लस का चार्ज, रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट हमारे पास में है प्लास्टिक की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बिल्ली की समूर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, चारों के ऊपर चार्ज फिक्स हो चुके हैं। ध्यान रखना इनके युग्मों को अगर किसी दूसरी वस्तुओं से रगड़ते हैं उस समय इनके चार्ज चेंज हो जाएंगे, कांच पे फिक्स किया हुआ है प्लस का, बाकी औरों के ऊपर चार्ज चेंज हो जाएगा। वहां पर एक ऐसी सीरीज बनी हुई है जिसमें उन पदार्थों को कुछ क्रम से व्यवस्थित किया गया है और उस क्रम में अगर ऊपर वाली जो वस्तु है वो हमेशा प्लस की रहती है और सबके नीचे वाली जो वस्तु रहेगी वो माइनस की बनती है। अगर एक नंबर की वस्तु और दूसरे नंबर की वस्तुओं को रगड़ते हैं तो ये प्लस की बनेगी या के माइनस की बनेगी। अब यदि इन दोनों को रगड़ते हैं तो क्रम में ये ऊपर आ रहा है ये नीचे, तो ये प्लस की बनेगी और ये माइनस की बनेगी। तो सबसे नीचे वाले क्रम में नीचे रहती है, इस कारण से वो हमेशा माइनस की रहेगी और टॉप वाली जो रहेगी वो हमेशा प्लस की। तो जब इन दोनों का जोड़ा काम में लेते हैं तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे, जब इनका काम में लेते हैं तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, यानी किसी के लिए माइनस का काम करेगा तो किसी के लिए प्लस का काम करेगा। ये उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हम समझेंगे, वो हमारे पास आगे की प्रक्रिया है। फिलहाल हमारे पास दो जोड़े हमने लिए तो उनके लिए तो आवेश यहां पर फिक्स हो गया। जब एक जोड़े की वस्तु जब हमने ली तो सेम वस्तु लेते हैं तो प्रतिकर्षण बल, रेशम रेशम लेते हैं प्रतिकर्षण, प्लास्टिक प्लास्टिक लेते हैं तो प्रतिकर्षण, समूर समूर लेते हैं तो प्रतिकर्षण, कांच कांच लेते हैं तो प्रतिकर्षण। यहां पर एक वस्तु इस जोड़े की एक वस्तु इस जोड़े की लेते हैं तो आकर्षण, यहां पर एक वस्तु इस जोड़े की एक वस्तु इस जोड़े की तो आकर्षण, क्लियर है। अब यदि इसी की प्रक्रिया में अगर हम इस कोर इस वाली वस्तु को लेते हैं प्रतिकर्षण, इन दोनों को लेते हैं प्रतिकर्षण, तो अलग अलग जोड़ों के साथ आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, आकर्षण आकर्षण यहां पर प्रतिकर्षण, इनके मध्य प्रतिकर्षण। अलग जोड़े की किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जब नजदीक लाते हैं तो या तो आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण। लेकिन एक ही जोड़े में बात करें यानी हमारे पास रेशम प्लस में कांच की छड़, इस जोड़े की ही बात करें तो रगड़ने से पहले जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ लटकाते हैं तो इनके मध्य कोई क्रिया नहीं होती है। अलग अलग जोड़े की बात करें तब तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है जो हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन एक ही जोड़े को अगर हम लेते हैं तो जब इनको लटकाया गया ये कांच की छड़ थी, जब इनको लटकाया गया तो इनके मध्य कोई क्रिया नहीं हुई, न तो नजदीक आते हैं न दूर जाते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न तो इसके ऊपर कोई चार्ज है न इसके ऊपर कोई चार्ज है, इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो।
अब यदि इनको रगड़ा जाता है आपस में, और रगड़ने के पश्चात हमने देखा था कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, रगड़ कर फिर इन दोनों को लटकाया जाता है। पहले अलग अलग थे, लटका दिया नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों को रगड़ा और फिर दोबारा से लटका दिया। तो अब प्रक्रिया है रगड़ने के पश्चात की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो विपरीत प्रकृति का जब आवेश होगा प्यारे दोस्तों, तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्या अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे अथवा नहीं होंगे, कमेंट्स में जरूर बताइए। ध्यान रखना, विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण तो हो ही नहीं सकता। तो अब आपको ये बताना है क्या अब आकर्षित होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, इनके मध्य न तो कोई आकर्षण बल लगेगा और न ही कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा, जबकि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। लेकिन कंडीशन को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने एक ही जोड़े को काम में लिया है, जबकि यहां पर ये जो आवेश का बंटवारा हो रहा था वो अलग अलग जोड़े में से एक एक वस्तु को लिया गया था। एक फर्स्ट जोड़े की थी, एक सेकंड जोड़े की थी, अल्टर चेंज कर करके देखा था तब इनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण लग रहा था। एक ही जोड़े की दोनों वस्तुओं को जब साथ में लेते हैं, घर्षण कराते हैं, तो आवेशित तो होती है, लेकिन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, क्योंकि उस प्रक्रिया में ये दोनों आवेश जो है वो विपरीत प्रकृति के होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। और जब वहां पर प्रभाव ही निरस्त हो जाएगा तो टोटल चार्ज कितना बचेगा? शून्य बचेगा। यानी इस पूरे जोड़े के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं होने की वजह से ही तो आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं लगता। अगर आवेश बचता तो या तो वो आकर्षित होते या प्रतिकर्षित होते। यहां पर कोई आवेश की मात्रा नहीं बच रही है, इस कारण से इनके मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी के सारांश में आगे हम और बढ़ेंगे, और इसके रिजल्ट से ही हमें पता चलेगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का जो नामकरण था वो प्लस और माइनस, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्यों रखा था। तो अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब इन दोनों वस्तुओं को घर्षण नहीं करवाया गया तब इन दोनों का टोटल चार्ज जीरो था, जब इन दोनों को रगड़ा गया तो रगड़ने के पश्चात वापस इन्हीं को दोनों को लटका दिया गया, तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, क्योंकि इसको किसी प्लास्टिक की छड़ या ऐसी ही कांच की छड़ के पास ले जाते हैं तो वहां प्रक्रिया होती है, इसका मतलब इसके ऊपर आवेश है। सेम ऐसे ही रेशम के कपड़े को दूसरे रेशम के कपड़े के पास लेके गए तो वहां पर भी वो प्रतिकर्षित हुआ, समुद्र के पास लेके गए आकर्षित हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर भी आवेश है। लेकिन इसी जोड़े को जब दोनों को साथ में लिया गया तो यहां पर कोई क्रिया नहीं हुई। इसी जोड़े को, इन दोनों के युग्मों को अगर काम में लेते हैं तब टोटल चार्ज बाद में भी कितना होता है? जीरो होता है। इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, लेकिन दोनों का कंबाइंड चार्ज जीरो हो चुका है, क्योंकि इसका आवेश इसके आवेश को निरस्त कर देता है या एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर आवेश प्लस का है, यहां पर आवेश माइनस का है, तो यहां पर आवेश की मात्रा कितनी है, यानी कितना गुण उसने प्राप्त किया है, तो आवेश की मात्रा कितनी है उसका हम मापन कर सकते हैं। और किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो इसका मतलब आवेश जो है वो एक भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि है तो इसका मतलब यहां पर हम मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रयोग का अर्थ समझना प्यारे विद्यार्थियों, जब इनके आवेशों को जोड़ा गया, इसके आवेश को और इसके आवेश को जब जोड़ा गया तो टोटल मान कितना आ रहा है? जीरो। और जब गणित के नियमों की अगर हम बात करते हैं तो गणित में जो हम जोड़ करते हैं उसमें जीरो मान कब प्राप्त हो सकता है? जब किसी प्लस वाले मान को सेम उतने ही मान के ऋणात्मक मान के साथ जोड़ा जाता है, तब हमें आंसर कितना प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो एक मान पॉजिटिव, एक मान नेगेटिव, और दोनों मान सेम मान के होने चाहिए, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, फिर जब उनको जोड़ा जाता है
तो आंसर कितना मिलता है, जीरो मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जितना आवेश है उतना ही आवेश इसके ऊपर है। तो एक और निष्कर्ष यहां से निकल के आ गया कि जब यहां पर जो युग्म काम में लिया जाएगा उस युग्म में आवेशों की जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है, कि प्रकृति एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव, एक ही नेगेटिव या एक ही पॉजिटिव होगी, लेकिन और साथ में मात्रा एक दूसरे की क्या होगी, समान। क्या निष्कर्ष हुआ, जिस युग्म को हम घर्षण कराते हैं उस युग्म के ऊपर आवेश की मात्रा हमेशा समान होगी, दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा बराबर होगी और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी मान दोनों के बराबर होंगे और प्रकृति एक के ऊपर प्लस है तो दूसरे के ऊपर क्या होगी, माइनस की, इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो यहां पर गणित में जैसे प्लस माइनस को लेकर हम जीरो प्राप्त कर सकते हैं, इस आधार पर ही उन्होंने ये बताया कि यहां पर भी आवेश जो है एक प्लस का होगा और एक माइनस का, क्योंकि आंसर क्या मिला हमें, जीरो। और जीरो आपको तभी मिल सकता है जब एक मान पॉजिटिव हो और एक मान नेगेटिव हो, तभी जीरो मिल सकता है। इसी के सारांश के कारण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आवेश का नाम पॉजिटिव चार्ज रखा और दूसरे चार्ज का नाम नेगेटिव चार्ज रखा। ये था उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने के पीछे का तर्क गणित की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब तक इस क्लास में हमने क्या क्या समझा, क्या क्या निष्कर्ष इससे निकल सकते हैं, उन सभी निष्कर्षों के बारे में या पूरे प्रयोग के सारांश को हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इन प्रयोगों से हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ वो देख लेते हैं अब। तो आज की क्लास का कंप्लीट सारांश या जो प्रयोग यहाँ पर समझाए गए उन सबका सारांश क्या है, तो पहला सारांश ये है कि आवेश दो प्रकार का होता है, पहला रिजल्ट तो यही मिल जाता है। सेकंड हमें ये मिलता है कि सजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि विजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट सारांश में हम ये देख सकते हैं कि आवेश का जो नाम था वो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता है। नामकरण जो था वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सारांश में हम ये ले सकते हैं कि घर्षण की प्रक्रिया के लिए जिस युग्म को काम में लिया गया है उस युग्म के दोनों वस्तुओं पर आवेश जो होगा उनके आवेश की जो प्रकृति होगी वो विपरीत होती है तथा आवेश की जो मात्रा होती है वो समान होती है, यानी प्रकृति विपरीत तथा मात्रा जो होगी वो समान होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि मात्रा समान है प्रकृति विपरीत है, तो वहां से ये सारांश हुआ है कि उस वस्तु के ऊपर जो टोटल चार्ज ज्ञात किया गया है वो टोटल चार्ज साधारण गणित की प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यानी नॉर्मल जो गणित की प्रक्रिया है उनके द्वारा हम किसी वस्तु का टोटल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं, जैसे प्लस का 5 और माइनस का 5 बराबर 0। यहां पर हमारे पास कुल आवेश हम साधारण गणितीय विधियों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, और जब नियम की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसे योगफल को हम बीज गणितीय योग बोल सकते हैं फिजिक्स के लिए, और बीज गणितीय योग जो है वो ज्ञात किया जाता है अदिश राशियों के लिए। तो हमने आवेश का जो टोटल मान ज्ञात किया वो बीजगणितीय योग से कर सकते हैं, साधारण तरीके से प्लस माइनस के चिन्ह को साथ में लेकर हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कारण से हमें ये क्लियर हो जाता है कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि होती है। तो यहां से स्पष्ट हुआ कि आवेश एक अदिश राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश में भी गुणधर्म होते हैं। आवेश में क्या क्या गुण होंगे, तो एक गुण तो हमें यहां से क्लियर हो जाता है कि आवेश एक अदिश राशि है। एक गुण हमें आवेश में यह भी पता चला कि आवेश अगर एक जैसी जाति के हैं यानी समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक गुणधर्म हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि आवेश अगर विजातीय प्रकृति के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। हम यहाँ पर आवेशों के प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन निष्कर्ष से हम आवेशों के गुणधर्मों की भी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसी के रिजल्ट से एक रिजल्ट और बता सकते हैं कि जब हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का युग्म लिया था तो यहाँ पर ये युग्म जब हमने काम में लिया तो प्रक्रिया करने से पहले यानी रगड़ने की प्रक्रिया से पहले टोटल चार्ज जीरो था। नेक्स्ट हमारे पास जब टोटल यहाँ से प्रक्रिया के बाद यूज किया गया तो प्लस और यहाँ पर था माइनस, उसके बाद इनके बीच में कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो टोटल चार्ज वापस कितना होता है, जीरो।
क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ही नहीं होगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो। तो इस प्रक्रिया में हमें ये समझ में आता है कि घर्षण की प्रक्रिया के पहले आवेश की मात्रा जीरो थी, प्रक्रिया के पश्चात आवेश की मात्रा जीरो थी, यानी किसी भौतिक राशि का मान किसी प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद में अगर सेम रहता है राशि को हम संरक्षित राशि कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है, यानी एक संरक्षित राशि होती है। तो ये चौथा गुणधर्म इसी प्रयोग के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। तो ये हो गई आज की क्लास हमारी कंप्लीट, जिसमें हमने आवेश के प्रकार, आवेशों का नामकरण, उनके यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम, किसके द्वारा नामकरण किया गया और उन्हीं सभी सारांशों के द्वारा कुछ आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने ज्ञात किया। आवेश की प्रॉपर्टीज का अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उन सभी गुणधर्मों के बारे में बारीकी से समझेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासों में। आज की क्लास में फिलहाल हमने यहाँ पर बेसिक ही काम में लिया गया, मेन टॉपिक था आवेशों के प्रकार की जांच करना और उनके नामकरण का फंडा तैयार करना कि कैसे नाम रखा गया, क्या रीजन था, वो सब कुछ जाना आज की क्लास में। और यदि कंप्लीट होता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट भाग का जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट भाग में फिर हम देखेंगे कि घर्षण की प्रक्रिया के बाद में ये वस्तु जो है वो एक अलग प्रकार का गुणधर्म प्राप्त कर लेती है जिसे हम आवेश कहते हैं। तो ये वस्तु आवेश वाला गुण प्राप्त कैसे करती है, इस वस्तु के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण वो अलग व्यवहार करने लग जाती है, यानी घर्षण करने के बाद इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है, क्या कारण है, क्या ऐसी चीज है उस वस्तु में जिसके कारण आवेश वहां पर प्राप्त होता है, यानी कौन से ऐसे कण उस पदार्थ में मौजूद हैं जिनकी वजह से आवेश का गुणधर्म प्राप्त होता है उस वस्तु में, सब कुछ जानेंगे इससे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।